मीडिया ग्रुप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं संगर ऑनलाइन। वेलकम रेडियो संगर के साथ मैं हूं जाड़ू बलूच। पेश है टुडे इन बलूचिस्तान। हमारी आज की 13 फरवरी 2020 बरोज जुमेरात की न्यूज बुलेटिन में सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। डेरा बुकटी से 100 से ज्यादा ख्वातीन और बच्चे सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों लापता हो गए। दुबई से बलूचिस्तान पहुंचने वाला शख्स सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों लापता हो गया। नुश्की में मंशियात फरोशी के खिलाफ आवाज उठाने पर नौजवान को कत्ल कर दिया गया। क्वेटा में बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा और मुलाजिमीन ने धरना खत्म कर दिया। यूसुफ आजाद ने कहा कि तलबा पर तशद्दुद और गिरफ्तारियां रियासती जबर का तसलसल हैं। ये थे आज के हेडलाइंस। अब पेश है खबरों की तफसीलात। हमारे साथ रहिए। डेरा बुकटी से सिक्योरिटी फोर्सेज ने 100 से जायद ख्वातीन और बच्चों को जबरी तौर पर लापता कर दिया है। मकामी जराए बताते हैं कि डेरा बुकटी के इलाके कटन से बुकटी कबीले की जहली शाख एडवानी से ताल्लुक रखने वाले 20 खानदानों पर मुश्तमिल 100 से जायद अफराद को सिक्योरिटी फोर्सेज ने गिरफ्तार करके फौजी कैंप मुंतकिल कर दिया है। जराए बता रहे हैं कि अगवा होने वालों में ज्यादातर ख्वातीन और बच्चे शामिल हैं। दुबई में मुलाजमत से रिटायर शख्स बलूचिस्तान पहुंचने पर सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों लापता हो गए। मकामी जराए के मुताबिक मोहम्मद अजीम दुबई में गुज़िश्ता कई सालों से एक कंपनी में मुलाजम था और अब रिटायर होकर वापस घर आ रहा था कि उनके एहलकाना उन्हें लेने कराची गए थे और वो अपने एहलकाना के साथ अपने आबाई इलाके मलांट जिला के चाह रहे थे कि ग्वादर जीरो पॉइंट के मकाम पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन्हें मुसाफिर बस से उतार कर अपने साथ ले गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मोहम्मद अजीम के एहलकाना ने उनकी गिरफ्तारी पर मजाहमत की जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। जराए बताते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने मोहम्मद अजीम के साथ उनके तमाम साजो सामान जिसमें नकदी बैग ब्रीफकेस वगैरह शामिल थे उन्हें भी जब्त करके ले गए। नुश्की में मंशियात फरोशी के खिलाफ आवाज उठाने पर नौजवान को कत्ल कर दिया गया। बलूचिस्तान के जिला नुश्की में मुबैना तौर पर मंशियात फरोशों की फायरिंग से नौजवान तालिबिल समीउल्ला वल्द आजी सनाउल्ला जांबाक हो गया। जराए के मुताबिक समीउल्ला ने गुज़िश्ता दिनों नुश्की में मंशियात फरोशी के खिलाफ कमिश्नर रक्षण डिवीजन के सामने कुली कचहरी में शिकायत की थी जिसके बायस उन्हें निशाना बनाया गया। मकामी जराए बताते हैं कि मकतूल समीउल्ला बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में बीएस जूलॉजी के तालिब इल्म थे। दूसरी जानब जांबाक नौजवान के लवाइकीन ने कातिलों की गिरफ्तारी और काजी आबाद में वाक़ मंशियात के अड्डे को मुसमार करने और फ्रंटियर कोर कैंप के सामने एहतजाज का अंदिया दिया है। क्वेटा में बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा और मुलाजमीन ने धरना खत्म कर दिया। बलूचिस्तान असम्बली के सामने धरना देने वाले बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा और मुलाजमीन ने हुकूमती टीम से मुजाकरात के बाद धरना खत्म कर दिया है। इससे पहले बलूचिस्तान असम्बली के सामने और जनरल पोस्ट ऑफिस चौक पर एहतजाज करने पर बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी के 100 से ज्यादा तलबा और मुलाजमीन को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था जिन्हें कई घंटे तक हिरासत में रखने के बाद रिहा कर दिया गया। वाज़ह रहे कि तलबा और मुलाजमीन गुज़िश्ता एक माह से फीसों में इजाफे और बोलान मेडिकल कॉलेज की निजकारी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा और मुलाजमीन के मुतालबात अगरचे मुख्तलिफ हैं लेकिन उन्होंने मुतालबात को मनवाने के लिए मुश्तरक एहतजाज का सिलसिला शुरू किया। बीएसओ आज़ाद ने कहा कि तलबा पर तशद्दुद और गिरफ्तारियाँ रियासती जबर का तसलसल हैं। बलूच स्टूडेंट आर्गेनाइजेशन आज़ाद के मरकजी तर्जुमान ने बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा और मुलाजमीन पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों को रियासती जबर का शाख़साना करार देते हुए कहा कि रोज़ अव्वल से रियासत की यही कोशिश रही है कि वो बलूच तलबा को तालीम से दूर रखे। इसीलिए तालीमी इदारों में नाहिल और करप्ट लोगों को बिठाकर तालीमी इदारों को तबाही के दाने पर पहुँचा दिया गया है। बयान में कहा गया कि बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी की खस्ता हालत हमारे सामने है कि जब से इस नाहिल वाइस चांसलर को तैनात किया गया है तब से तलबा रोडों पर हैं और यूनिवर्सिटी को ताला लगा दिया गया है। रेडियो संगर की आज की न्यूज़ बुलेटिन इख्तिताम पजीर हो गई है। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। बलूचिस्तान जिंदाबाद। बलूचिस्तान में इंसानी हकूक की संगीन सूरत हाल की जानकारी के लिए
ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کچھ نئے اپڈیٹ کے ساتھ۔ بلوچستان زندہ باد۔